हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। पहले हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, और उसके बाद हम स्टूडेंट्स को बुलाकर उसकी प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये टेंस क्या होता है। अगर टेंस की बात करें तो टेंस का मतलब टाइम होता है, और टाइम किसी भी लैंग्वेज में थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट का मतलब है जो बीत गया है, फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है, और प्रेजेंट जिसमें हम हैं, जी रहे हैं, जो समय हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो प्रेजेंट है। और प्रेजेंट की बात की जाए तो उसकी भी चार कैटेगरीज होती है, चार अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें से जो पहली कैटेगरी होगी वो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब है जो पता नहीं है कि कब चालू हुआ, और ये भी नहीं पता है कब तक चलेगा, तो वो डेफिनेट नहीं है, इसलिए हम उसे कहेंगे इनडेफिनेट। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट की बात करें तो हम अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, एट्सेट्रा वर्ड्स होंगे। चूँकि फिलहाल हम सोचते हिंदी में हैं, इसलिए क्या बोलना है उस सेंटेंस को पहचानने का काम फिलहाल हम हिंदी में करेंगे। अभ्यास करते करते ये हिंदी कम होती जाएगी और हम इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे, लेकिन फिलहाल माइंड हिंदी में सोच रहा है, इसलिए वाक्य की पहचान आप हिंदी के शब्दों के पीछे वाले शब्द से करेंगे। ता है, ती है, ते हैं वाक्य के अंत में है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस कह रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक सबसे कमाल बात यह है कि इस वाक्य को बनाने में अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्यों में आप किसी भी तरह के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जो आप सेंटेंस बनाने जा रहे हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, इसे आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, और उसके बाद अगर वाक्य में है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट होना वाक्य में कंपलसरी नहीं है। कुछ वर्ब्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ वर्ब्स के नहीं होते हैं। जिन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं हम उन्हें इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, जिसका मतलब है अकर्मक क्रियाएं। जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं हंसता हूँ, आई लाफ, अभी लाफ वर्ब है, इसका किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा। दो बातें इसमें समझने योग्य है कि आप अपने सेंटेंस बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी कभी एस या ई एस लेटर्स को ऐड कर देते हैं। वो सिचुएशन क्या है? वो सिचुएशन बहुत सिंपल है। अगर हम बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है, इसका मतलब है आई और यू इस कैटेगरी में शामिल नहीं होता। आई का मतलब है फर्स्ट पर्सन, यू का मतलब है सेकंड पर्सन, इन दो को छोड़ दिया जाए तो सारी दुनिया थर्ड पर्सन है, और उसमें अगर हम बात सिंगुलर नंबर की करेंगे एक की, जैसे ही, शी, इट या कोई नाम, तो फिर वर्ब में एस या ई एस ऐड किया जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते समय हम सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब ये सेंटेंस नेगेटिव बनेंगे, नकारात्मक होंगे, तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डू का यूज़ कब करेंगे? जब हम आई, यू, वी, दे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होगा डू होगा, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, नेम यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, तो फिर हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे अपने वाक्य का नेगेटिव बनाने के लिए। यही बात क्वेश्चन बनाते समय भी लागू होती है। जब हम प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न की शुरुआत डू या डज हेल्पिंग वर्ब से होगी। यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर डज हेल्पिंग वर्ब होगी, और आई, यू और प्लूरल होने पर डू हेल्पिंग वर्ब होगी। तो अब हम देखते हैं इसकी प्रैक्टिस, कुछ स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो जब हमारे स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को बनाएंगे तो आप भी सोचिएगा कि उन वाक्यों का इंग्लिश कैसे। इनके बारे में जानते हैं। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज बिट्टू कुशवा। प्लीज स्पीक लाउडली। माय नेम इज बिट्टू कुशवा। ओके, व्हाट आर यू डूइंग इन योर स्टडी? आई स्टडी इन GNM थर्ड ईयर। ओके, वेरी नाइस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? यस सर। वेरी गुड। तो मैं कुछ सेंटेंस बोलने वाला हूँ और आप उन सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सिंपल सेंटेंस हम लेने वाले हैं। पहला सेंटेंस है, मैं पत्र लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर। आई की जब बात होगी तो ऐसी ऐसे में नहीं लगा। आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर। आप पत्र लिखते हो? यू राइट अ लेटर। वेरी गुड। आप कार चलाते हो? यू ड्राइव अ कार। ओके। आप पेड़ पर चढ़ते हो? यू क्लाइम ऑन ट्री। हाँ, इसको क्लाइम पढ़ते हैं। क्लाइम। यू क्लाइम ऑन अ ट्री। आप सड़क पार करते हो? यू क्रॉस द रोड।
हम शहर में रहते हैं. वी लिव इन अ सिटी. वी लिव इन अ सिटी. सिटी. ओके. हम क्रिकेट खेलते हैं. वी प्ले क्रिकेट. वेरी नाइस. अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट से पहले डू या डस का प्रयोग हमें करना है. अगर हम एक व्यक्ति की बात करेंगे तो डज नॉट का प्रयोग होगा, और प्लूरल और आई और यू की बात करेंगे तो डू नॉट का प्रयोग होगा. चलिए, आपको पहला सेंटेंस बोलना है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ. आई डोंट लाई. आई डोंट लाई. हम लाई भी बोल सकते हैं और टेल अ लाई भी बोल सकते हैं. तो आई डोंट लाई या आई डोंट टेल अ लाई. ओके. आप संस्कृत नहीं पढ़ाते हो. यू डोंट टीच संस्कृत. आप कार नहीं चलाते हो. यू डोंट ड्राइव कार. ओके. हम अंतरिक्ष में नहीं जाते हैं. वी डू नॉट गो टू गो इन स्पेस. इन स्पेस. अंतरिक्ष को हम बोलेंगे स्पेस. सो वी डोंट गो इन स्पेस. वेरी नाइस. प्रश्न बनाएंगे तो ये जो डू और डज हेल्पिंग वर्ब है उनको हम पहले इस्तेमाल करेंगे. तो यू और सारे प्लूरल्स के लिए हम डू का प्रयोग करेंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम डज का प्रयोग करेंगे. तो पहला क्वेश्चन है कि क्या आप कार चलाते हो. डू यू ड्राइव अ कार. ओके. क्या आप नए कपड़े खरीदते हो. डू यू बाय न्यू क्लॉथ्स. वेरी गुड. क्या आप शहर में रहते हो. डू यू लिव इन अ सिटी. ओके. क्या आप शिकार करते हो. डू यू डू हंटिंग. डू हंटिंग. डू यू डू हंटिंग. ओके. क्या वह पत्र लिखता है. थर्ड पर्सन के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप. डस. डस. तो क्या वह पत्र लिखता है. ही डज ही राइट्स. डज ही राइट अ लेटर. डज ही राइट अ लेटर. क्या वह पानी पीता है. डज ही ड्रिंक वाटर. वेरी गुड. क्या वह आपकी मदद करता है. डज ही हेल्प मी. डज ही हेल्प यू. क्या वह आपकी मदद करता है. अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसके हाँ में जवाब देंगे या ना में जवाब देंगे. यस सर. ओके. तो पहला क्वेश्चन ये है कि डू यू राइड अ स्कूटी. Yes, I ride a scooter. Very nice. अगर आपको मना करना हो तो क्या कहेंगे. Don't. पूरा सेंटेंस क्या होगा. सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सेंटेंस क्या होगा. मैं स्कूटी नहीं चलाती हूँ. I do not ride a scooter. Okay. दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, ये लास्ट भी आपके लिए. क्या आप किसी को परेशान करते हो. क्वेश्चन मुझे पूछना है, आप आंसर देना. तो डू यू बॉदर समवन. बॉदर मतलब होता है परेशान करना. सो डू यू बॉदर समवन. आई डोंट बॉदर समवन. वेरी गुड. अगर हाँ बोलना है तो यस आई बॉदर समवन. ओके. यू आर ट्राइंग वेल आई एम श्योर. बहुत जल्दी आप अच्छी तरह से सेंटेंस बनाना. ओके. व्हाट्स योर नेम. माय नेम इज कृष्ण कुमार पासवान. वेयर डू यू लिव इन भोपाल. आई लिव एट आनंद नगर इन भोपाल. वेरी नाइस. वेयर इज योर होम टाउन. माय होम टाउन इज बिहार. Okay, what are you doing in your studies? In my study, diploma first year. You are pursuing diploma first year. Yes. Okay, what do you want to become? I want to become successful engineer in my life. Very nice. So, हम पढ़ रहे हैं simple present tense. ये concept समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. मैं कुछ sentence हिंदी में बोलने जा रहा हूँ, आपको उनका English बनाना है, ठीक है? Yes, sir. Okay, मैं football खेलता हूँ. I play football. Okay, मैं shopping करता हूँ. My shopping. I do shopping. I do shopping. Okay. मैं कपड़े धोता हूँ. I wash clothes. Okay. आप English सिखाते हो. You teach English. Very good. आप English नहीं सिखाते हो. You don't teach English. क्या आप English सिखाते हो. Do you teach English? Very good. अभी मैं question पूछने वाला हूँ, आप yes या no में answer दीजिएगा. Yes sir. Okay. Do you help the poor? Yes, I help poor. I help the poor. I help the poor. Yes, I help the poor. Okay. Do you play cricket? Yes, I play cricket. Okay. Do you travel in a train? Yes, I travel a train. I travel in a train. In a train. Very good. Does your brother help you? Yes, my brother helps. Helps me. Helps me. Does a dog run after a car? Yes. Does a dog run after a car? Yes, dogs after run a car. Dog runs after a car. Dog runs after a car. Car. Okay. Does Ram play hockey? Yes, Ram play hockey. Plays hockey. Yes, S लगाना है आपको. वर्ब में S S लगाना है. अगर क्वेश्चन does से है तो आंसर में S आपको लगाना ही चाहिए. Yes, sir. Okay. Does Priya apply मेहंदी? Priya applies मेहंदी. Applies मेहंदी. Does Rohit drink water? Yes, Rohit does drink water. नहीं, जब आप Rohit, yes का आंसर देंगे तो does की जरूरत नहीं. No, है. Rohit drinks water. Yes, sir. अगर आपको मना करना है कि Rohit पानी नहीं पीता है तो कैसे कहेंगे. Don't Rohit. Rohit does not drink water.
रोहित does not drink water. Okay, what's your name? My name is Rahul Pal. Where do you live? I live in Bhopal. What are you doing in your study? I study BCom first year. Okay, and what do you want to become? I am become to successful businessman. Okay, you want to become a successful businessman. Yes. Okay, in this regard, आज हमने simple present tense को समझा है. आपको समझ आ रहा है ये? Yes, sir. Okay, तो कुछ sentence बनाने के लिए मैं आपको दूंगा. Are you ready to make those sentence? Yes, sir. Okay, मैं English सीखता हूँ. I learn English. हाँ, मैं English बोलता हूँ. I speak English. Okay, मैं car चलाता हूँ. I drive car. मैं किताब पढ़ता हूँ. I read book. Okay, मैं आपकी मदद करता हूँ. I help you. मैं आपकी मदद करता हूँ. I help you. कुछ negative sentence बनाना चाहेंगे? जी सर. Okay, वह मेरे घर नहीं आता है. He does not come my home. Okay, वह झूठ नहीं बोलता है. झूठ नहीं बोलता है. He does not tell a lie. चलो, मैं प्याज नहीं खाता हूँ. I do not eat onion. Okay, मैं ट्रक नहीं चलाता हूँ. I do not drive a truck. मैं आप पे विश्वास नहीं करता हूँ. I do not trust you. Okay, मैं पैसे बर्बाद नहीं करता हूँ. I do not expense money. हाँ, बर्बाद करना होगा waste money. Expense मतलब खर्च करना. जी सर. मैं पैसे बर्बाद नहीं करता हूँ तो आप कहेंगे I do not waste money. क्या आप आम तोड़ते हो? Do you plug mangoes? Okay. क्या आप सफाई करते हो? Do you do cleaning? Okay. क्या आप किताबें पढ़ते हो? Do you read a book? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप यस या नो में जवाब देंगे. Do you make friends? Yes, I make friends. Okay. Do you make many friends? Yes, I make many friends. Do you operate computer? No, I don't operate computer. Okay. Do you purchase vegetables? Yes, I purchase vegetable. Do you cook food? Yes, I cook food. Okay. Do you bother others? Yes, I bother others. No, I bother. परेशान करना होता है. करते भी हैं. तो I bother others और अगर परेशान नहीं करते हैं तो हम does not bother. I don't bother others. Very nice. तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहली क्लास में कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की है. सेंटेंसेस गलत भी हुए हैं लेकिन प्रैक्टिस शानदार हुई है. आई होप आपने भी सेंटेंसेस को सुना होगा और उसे मन ही मन बनाने की कोशिश की होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.